प्राचीन भारत भूमि में राम नाम का एक बुद्धिमान और परोपकारी राजा रहता था। उनके शासन को न्याय, समृद्धि और उनकी प्रजा की भलाई द्वारा चिह्नित किया गया था। उनके नेतृत्व में अयोध्या राज्य फला फूला और लोग उनका सम्मान करते थे। एक दिन जैसे ही राज्य पर अंधेरा छाने लगा, रावण नाम के एक दुष्ट राक्षस राजा ने राम की प्रिय पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। इस जघन्य कृत्य ने अच्छे और बुरे, गुण और पाप के बीच संघर्ष को जन्म दिया। सीता को बचाने और धार्मिकता को कायम रखने के लिए दृढ़ संकल्पित राम अपने वफादार भाई लक्ष्मण और समर्पित वानर देवता हनुमान के साथ एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। कई चुनौतियों का सामना करने और भयंकर युद्धों का सामना करने के बाद राम ने एक भयंकर द्वंद्व में रावण का सामना किया। अटूट साहस और दैवीय आशीर्वाद के साथ राम ने राक्षस राजा को हराया, सीता को बचाया और अयोध्या राज्य में न्याय बहाल किया। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की अयोध्या में विजयी वापसी लोगों के लिए एक खुशी का अवसर थी। अपने प्रिय राजा की वापसी के मार्ग को रोशन करने के लिए नागरिकों ने तेल के दीपक जलाए, जिससे प्रकाश का एक दृश्य उत्पन्न हुआ जिसने अंधकार को दूर कर दिया। प्रकाश, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत से भरा यह आनंदमय उत्सव दिवाली की नींव बन गया। यह त्यौहार, जिसे रोशनी के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, धार्मिकता की विजय, अज्ञानता को दूर करने और आशा के नवीनीकरण का प्रतीक है। ये एक ऐसा समय है जब परिवार एक साथ आते हैं, घरों को रंगीन सजावट से सजाया जाता है और तेल के लैंप और मोमबत्तियों की चमक अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती गईं, राम की विजय की कहानी दिवाली समारोह का एक अभिन्न अंग बन गई। भारत और दुनिया भर में लोग प्रेम, साहस और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत के मूल्यों को मजबूत करने वाली इस प्राचीन कहानी को याद करते रहते हैं। दिवाली खुशी, एकता और उत्सव के समय के रूप में विकसित हुई है। परिवार उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, स्वादिष्ट भोजन साझा करते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। आतिशबाजी रात के आकाश को रोशन करती है, जो प्रकाश की जीत और अंधेरे को दूर करने का प्रतीक है। दिवाली का सार धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। करुणा, दयालुता और अच्छाई के लिए शाश्वत संघर्ष के सार्वभौमिक मूल्यों पर जोर देता है। यह एक उत्सव है जो लोगों को एक साथ लाता है, समुदाय और साझा मानवता की भावना को बढ़ावा देता है, सभी को याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और सद्गुण की रोशनी हमें एक उज्ज्वल कल की ओर मार्गदर्शन कर सकती है।